أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम कुरान पाक का पारा नंबर पाँचवा सूरह निसा की आयत नंबर 47 से आयत नंबर 52 तक तर्जमा पढ़ेंगे। ऐ अहले किताब, जो कुछ हमने नाजल फरमाया है, जो इसकी भी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इस पर ईमान लाओ इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और इन्हें लौटा कर पीठ की तरफ काट दें या इन पर लानत भेजें जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की। और है अल्लाह ताला का काम किया गया, यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकरर करे इसने बहुत बड़ा गुनाह और बोतान बांधा। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकिजगी और सताइश खुद करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहे पाकिज़ा करता है। किसी पर एक धागे के बराबर जुल्म ना किया जाएगा। देखो ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं और ये हरकत सरी गुनाह होने के लिए काफ़ी है। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला है, जो बुत का और बातिल महबूद का एतकाद रखते हैं और काफरों के हक में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज़्यादा राय रास्त पर हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने लानत किया, और जिसे अल्लाह ताला लानत कर दे तो इसका कोई मददगार ना पाएगा। सादक अल्लाहुल अज़ीम।